शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हजारों साल पहले अयोध्या नरेश श्री राम ने राक्षस महाराज रावण और उनकी लंका का विनाश किया। उसी के साथ राक्षसों का युग मिट गया और कलयुग की शुरुआत हुई। आज भी हम उनकी वो जीत मनाते हैं रामलीला में रावण को जलाकर। हर साल ये जलती हुई चिता मानव जाति के लिए एक चेतावनी है। राक्षस मरा जरूर लेकिन मिटा नहीं। पुराणों के अनुसार वो लौटेगा। हर युग की तरह कलयुग में भी राक्षस का आना निश्चित है। याला लंका, रामायण के जमाने में यह एक महानगर हुआ करता था। यही रावण की राजधानी भी थी। इन विशाल मूर्तियों से आज भी उसकी शक्ति का एहसास होता है, क्योंकि इसी धरती के गर्भ में रावण का शक्ति बीज, उसकी हुकूमत का राज, उसका रुद्राक्ष छुपा हुआ है। चलो 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 ये सह रहेंगे। चलो 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 जल्दी काम करो। चलो 1990 इतिहास में पहली बार एक इंटरनेशनल टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट उस रुद्राक्ष की सच्चाई को ढूंढते हुए यहां तक पहुंची। और उन्हें क्या पता था कि रावण के रुद्राक्ष ने अपना पहला गुलाम चुन लिया था, जिसका नाम था भूरिया। क्या है? और देखना है तेरे को। आजा। Take him in from the side and start digging there. Yeah. Hey, what's happening? Speed up the work. Hey, Dali. चलो हटो सब, चलो पहले इतने आदमी मिलकर खींच नहीं सकते हैं। उड़ेंगे एक रात
धरती के गर्भ से राक्षस देवता की मूर्ति निकली, हजारों साल पुरानी, रामायण के जमाने की, जिसे लंका के महायुद्ध के बाद दफनाया गया था। मूर्ति मिलने के बाद भूरिया में अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वो रात के अंधेरे में मूर्ति को देखता रहता था। धीरे धीरे वो मूर्ति उसे ऐसे सुराग, ऐसे रास्ते दिखाने लगी जो भूरिया को छुपे हुए रुद्राक्ष तक पहुंचा सकती थी। रुद्राक्ष मेरा है। इतने हजारों साल बाद आज ये मेरे लिए निकल आया है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका असली हकदार मैं हूं। मैं हकदार नहीं, तुम चोर हो। ये हमारे इतिहास और संस्कृति की अमानत है। भूरिया, यू आर फायर्ड। वॉचमैन, इस आदमी को अंदर मत आने दो, और इसे भी। ये रुद्राक्ष, इट्स ब्यूटीफुल। वो मेरा है। मेरा है वो। मेरा है। हाय 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 हाय। Thank you.
ये तूने क्या किया? मंडाला? कोई मत। और यहाँ से शुरू होती है भूरी और रावण के रुद्राक्ष की अजीब दास्तान। रुद्राक्ष का लक्ष्य दुनिया में राक्षसों के राज्य को लौटाना, और उसके लिए जरूरी था भूरिया को एक जानवर जैसे इंसान की स्थिति से उठाकर महान राक्षस बनाना। कई साल गुजर गए इस काम में। बहुत बर्दाश्त किया हम लोगों ने, इस तरह पत्थर मारने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ करना चाहते हो तो तलवार उठाओ, काट दो सालों को, चुन चुन के मार डालो सालों को, एक भी बचने ना पाए। बदला लेना चाहते हो कुछ कर। अपने नए ज्ञान से भूरिया ने लाली की स्मृति को बदल दिया। उसकी याददाश्त से लंका का नामो निशान मिट गया और वो अपने आप को मुंबई के अंडरवर्ल्ड की एक सुपारी किलर मानने लगी। भूरिया रुद्राक्ष के ध्यान में खो गया। धीरे धीरे उसे नए मंत्र, नए तंत्र और नए षड्यंत्र मिलने लगे। आज शाम 5 बजे मिनर्वा टावर्स लोखंडवाला, कंपनी का आदमी है, जरा होशियारी से। सुपारी 10,000 मंजूर। हेलो भूरिया, सुपारी मंजूर है? मंजूर है। कौन, लाली? ठीक है, फोटो भिजवा दूंगा। गवत काप तो येल बाहर। एए, गाड़ी निकालो। ए चीरुन टाकिन, हट कुत्रा साला। जा ठोक दे। अरे बक्सू घाल ना, अरे घाल ना, अरे काय करतो घाल ना त्याला। काय रे थरथरली काय तुझी? हा एक और नई बात सिखाई है, देखना चाहोगी?
तो कुछ नहीं, और देखना है तुम्हें, तुम्हें कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या? मेरी आंखों में देखो लाली, मेरी आंखों में। जब रावण महाराज का सपना पूरा होगा, जब दुनिया में हर इंसान राक्षस बनेगा, तब मैं तुम्हें ऐसे लोहे का मुकुट पहनाऊंगा और लहू से श्रृंगार करवाऊंगा। इस रुद्राक्ष के साथ 14 साल वनवास काटा है मैंने, बहुत तड़पाया है इसने मुझे, लेकिन बहुत सिखाया भी। अब वनवास खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन अब भी मैं अधूरा हूं। इस रुद्राक्ष की पूरी शक्ति मैं हासिल नहीं कर पाया, असल में मैं इसके काबिल नहीं था। देखो देखो, ये आज भी मुझे छूने नहीं देता, इसलिए मुझे एक भाई की जरूरत है, एक ऐसा भाई जो राक्षस बन के मेरे साथ साथ चले, जिसके पास ज्ञान हो, शक्ति हो, दिल का सच्चा हो, निस्वार्थ, और जो वक्त आने पर अपनी शक्ति आपके चरणों में छोड़ के खुद को कुर्बान कर दे, है ना लाली? यही तो राक्षस नीति है, भाई भाई की जान लेता है। Let's go.
आनंदित रहो बेटी, मुझे पता है आज इतने सालों बाद भी तुम्हारी गोद सुनी है। चिंता मत करो, लो शिव जी का प्रसाद। आज से 11 दिन और रातें एकाग्रता के साथ शिव की आराधना में लगी रहोगी, यहीं हमारे आश्रम के शिव मंदिर में। सारी पूजा अर्चना में हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर देखो चमत्कार। बड़ी कृपा है आपकी स्वामी जी, इसी तरह मेरी सहेलियों को भी रास्ता दिखाइए। इन्हें भी चमत्कार की आवश्यकता है। यहाँ आओ बेटी, ये लो शिव जी का प्रसाद। Very interesting, Dr. Gayatri. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर है विभूति पंप करने के लिए। चलो सामान उठाओ, we have to get out of here. चलो ये वापस कर दो इसे। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए। You are a fake mister. तुम एक फरेबी हो और कुछ जानने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। ये दुनिया हजारों फरेबियों से भरी हुई है जो अपने आप को हाई प्रीस्ट, गुरु, शमन, स्वामी का दर्जा देते हैं। इन खोटे सिक्कों के ढेर से उस असली मोहरे को निकालना बहुत मुश्किल है। मैं और मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की टीम पूरी दुनिया घूम चुके हैं उस एक आदमी की खोज में जो शायद असली हो। कोई मिला? शायद। ये आदमी वरुण नाम है उसका। इस बुढ़िया को आर्थराइटिस है, वो अपनी उंगलियां नहीं हिला सकती, दर्द से बेचैन है। रेडी गर्ल्स? वी आर रेडी। रेडी। अजीब आदमी है, संस्कृत भी बोलता है और अंग्रेजी भी। दिन यहाँ गुजारता है और रात को किसी बार में बाउंसर का काम करता है। इलाज के पैसे भी नहीं लेता। आई लाइक दिस मैन। लेकिन इसके बाल बहुत लंबे हैं। मेरे कैमरा के फ्रेम में चेहरे के बदले बाल ही बाल दिखते हैं। ये देखिए इसकी असलियत का सबूत। बुढ़िया के हाथ के घाव गायब होने लगे और वरुण के हाथ पे दिखने लगे। अब हाथ कैसा है? दर्द कम हुआ। दिखाओ। मेरा दर्द चलो जी, चलो। ये बाबू ने ले लिया, ये बाबू ने ले लिया। मरीज तो ठीक हो गया पर वरुण का क्या हुआ? वो दर्द से गिर गया। चलो माजी, चलो माजी, चलो माजी, चलो माजी, चलो 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 कोई नहीं लेता, चलो माजी, चलो दूसरों के दर्द को। लुक, आई एम अ साइंटिस्ट, मुझे सिर्फ सच्चाई से मतलब है। इतनी खोज के बाद एक सही आदमी मिला है जिसके पास कुछ पावर्स है, रियल पावर्स। अब देखना है कि इसकी पहुंच कितनी गहरी है। डॉक्टर गायत्री, लुक एट हिज हैंड्स। नमस्ते। राम राम। अरे जल्दी जाओ जी। हाँ हाँ। मास्टर जी कब के आ गए? नमस्ते जी। कैसे इलाज करता हूँ मुझे पता नहीं। मरीज को सामने देखता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, इस बेचारे को क्यों दर्द देते हो? लाओ इसका दर्द मुझे दे दो। क्या? क्यों, कुछ कमी है मुझ में? तन मन सब कुछ तो दिया है भगवान ने, क्या मैं इतना सा दर्द नहीं ले सकता?
थोड़ी देर में मरीज का दर्द दूर हो जाता है और मैं तड़पता रह जाता हूँ। हनुमान जी तो सबके मालिक हैं और मैं उनका बहुत प्यारा हूँ। वो मुझे ज्यादा देर तक तड़पते हुए नहीं देख सकते। आके ले जाते हैं दर्द को, बस इसी तरह इलाज हो जाता है। वरुण, सच? तुम सच बोल रहे हो ना? जब दोनों आंखें बंद हो जाती हैं, तब तीसरी आंख का इस्तेमाल करो। यह है शिव जी का नेत्र, अग्नि चक्र। अपनी आंखों की शक्ति तीसरी आंख पर ले आओ। धीरे धीरे अंधेरे में तुम्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देगी। नहीं, अब भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखना सिर्फ आंखों का काम है। पर सब कुछ पहचान जाओगे, क्योंकि बिना देखे पहचानना अग्नि चक्र का काम है। समझना बहुत मुश्किल है, लोगों का दर्द भी लेते हो और पैसे भी नहीं लेते। अरे, इस दुनिया में माल के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्या मिलता है तुम्हें इन सब कामों से? एक सुंदर परी मिली है मुझे अमेरिका से, जो मुझे अजीब तरह से चाहती है। वरुण, बी सीरियस। ये मेरा छोटा सा घर है। ये सब क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, पंडित भी हूं। मेरे पिताजी हिमालय के त्रिशक्ति पीठ के अधिपति हैं। मेरे लिए रोज पूजा करना। डूइंग पूजा एवरीडे स्कूल, यू गेट दैट? श्योर। ये रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष यानी रुद्र का अक्ष, शिव जी की आंख का आंसू। एक मुखी रुद्राक्ष को छूते तक नहीं, इसकी सिर्फ पूजा की जाती है। क्यों, मैं इसे छूंगी तो काटेगा? अगर तुम इसके काबिल नहीं हो तो इसी की शक्ति तुम्हें तबाह कर सकती है। वो कैसे? तुम सवाल बहुत पूछती हो और तुम मुझे बहुत डराने की कोशिश करते हो। आई थिंक यू स्वीट। और तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, सिवाय एक बात के, तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे। अरे, ये क्या किया तुमने? इश्क खुदाई रब ने बनाई, इश्क खुदाई इश्क की जादू तो।
10:31 वरुण का ब्रेन स्कैन बता रहा है कि उसके दिमाग के जो डार्क एरियाज हैं, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुए धीरे धीरे होश में आए, पर्टिकुलरली द डीप कॉर्टेक्स एंड द हाइपोथैलेमस। ट्रेसी, चेक हिज स्पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड हाइपरएक्टिव। सूजी, ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर ड्रॉपिंग क्विकली, 100/60 कम डाउन टू 97/55। व्हाट अबाउट द हार्ट रेट? हार्ट रेट फॉलिंग स्टेडली, 55, 54, 52, 50. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड राइजिंग स्टेडली। वरुण इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जैसे कोई अस्पताल में मरता हुआ मरीज। बीपी, हार्ट रेट सब कुछ गिरता जा रहा है, सिर्फ उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसका सूक्ष्म शरीर बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये आदमी नहीं मरेगा, जाग उठेगा फिर एक नई रोशनी में। स्थिति को योगा में समाधि कहते हैं, साइंस आज तक इसे समझ नहीं पाई है। He's exploding. 10:33:29 उसकी कुंडलिनी खुल गई है। इस वक्त उसकी चित शक्ति के जोर से प्रोस्टैटिक जोन यानी कि मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया है। Gayatri, heart rate rising, 64, 66, 70. Blood pressure is normal, 120/80. All systems stable. साधारण आदमी अपने ब्रेन को कभी 1% से ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन इस वक्त वरुण का ब्रेन 70% एक्टिव हो गया है। आज के बाद रिसर्च के लिए मैं जितना पैसा मांगूंगी मेरी यूनिवर्सिटी मुझे देगी। एक्चुअली मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर मेरे पिताजी यहाँ होते तो मुझे बहुत डांटते। ये कैन का जादू कैसे हुआ? गॉड अगेन, आखिर ये गॉड है क्या? ये सूजी क्या कर रही है? वायरलेस इंटरनेट से फाइल डाउनलोड हो रहा है। और वो फाइल है कहाँ? दुनिया में कहीं भी हो सकती है। इंटरनेट और सही पासवर्ड से हम साइबर स्पेस में कोई भी फाइल हासिल कर सकते हैं। तो फिर भगवान को भी एक इंटरनेट समझो, एक डिवाइन इंटरनेट, जो इस विश्व के हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पेड़ पौधा, हर अणु को कनेक्ट करता है। अगर इंटरनेट साइबर स्पेस में है तो द डिवाइन इंटरनेट स्वप्न आकाश में। स्वप्न आकाश, अ प्लेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जिसे आइंस्टाइन ने क्वांटम डोमेन का नाम दिया। यहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक जैसे होते हैं। यहां दूर और करीब का मतलब नहीं होता। स्वप्न आकाश इज गॉड्स प्लेग्राउंड, जहां विश्व की रासलीला का जन्म हर पल होता है। यहां पे हर चीज मुमकिन हो जाती है। जैसे कि मैंने वो कैन उठाया, वैसे ही किसी के बैंक के लॉकर में घुसकर जेवर उठा सकता हूं, किसी के दिमाग का ताला खोलकर अंदर जा सकता हूं, चाहूं तो उसके दिमाग के साथ खेल सकता हूं। That's why it's a dangerous knowledge and a secret one. तो कोई चोर या गलत आदमी तुम्हारे स्वप्न आकाश में घुस गया तो? तो तबाही हो जाएगी। जैसे कई बार द्वापर युग में हुआ था, वैसे लोगों को राक्षस कहते हैं। Oh, come on, राक्षस? वो तो कहानियों में होते हैं। ये पागल खाने में मेरा क्या काम है? काम? थैंक यू डॉक्टर, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। कौशल, चलो। हाउ इज इट गोइंग गर्ल्स? ग्रेट, ऑल सिस्टम्स अप। वरुण, ये मेरी रिसर्च का एक एक्सपेरिमेंट है। इस पागल को हम कुछ दिनों से स्टडी कर रहे हैं। इस पागल का तेजस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, फर्क सिर्फ एक ही है,
इसका रेडिएशन काला है और तुम्हारा सफेद। देखो, अगर तुम इसका इलाज कर सकते हो तो मेरी रिसर्च सफल हो जाएगी, सारी दुनिया जाग उठेगी। वरुण, अ माइंड हीलिंग अ माइंड, द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम अगेन। गायत्री जरा होश में आओ, इसका इलाज करने से पहले मुझे इसके पागलपन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हनुमान जी जो है तुम्हारी रक्षा करने के लिए? मैं ये काम नहीं कर सकता। लुक मिस्टर, मैं यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी बड़ी टीम लेके नाच गाना देखने नहीं आई हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए? बोलो, टेल मी व्हाट्स योर प्राइस। हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? Start recording, girls. Check this. Recording, girls. कैसे वादी बात कर रहा हूं के? क्या तुम भूल गए हो कि एक नई दुनिया तुम्हारे लिए रुकी हुई है, बस तुम्हारे हक का इंतजार है। नहीं, अब तो समझो वरुण, हर युग में हमें मिटाने की कोशिश की गई लेकिन वास्तव में कोई हमें मिटा नहीं सका। I was the past, and I will be the future. मैं इस दुनिया का भूत और भविष्य हूं। मैं तुम्हारे साथ अपना सिंहासन बांटने के लिए तैयार हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? एक तलवार दे दो तुम्हारी जान लेने के लिए। तलवार? एक क्यों, दो ले लो।
वरुण, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहुंच कितनी गहरी है। ये साधारण जिंदगी के रिश्ते नाते छोड़ दो और मेरे साथ उड़ना सीखो। नहीं नहीं, समझा करो वरुण, मेरा बोझ बहुत भारी है। एक नई दुनिया का निर्माण करना है, इतना बड़ा काम मैं अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे एक भाई की तलाश है और वो भाई तुम हो। वरुण, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वरुण, नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वरुण, नहीं, वरुण, मैं तुम्हारा भाई हूँ। वरुण, मुझे छोड़ के मत जाना। वरुण, नहीं, वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कहाँ हूँ? ये हमारा घर है, तुम बेहोश हो गए थे इसलिए तुम्हें यहाँ ले आए। कितने देर से? दो दिन। दो दिन? लेकिन वो मरीज का क्या हुआ? उस आदमी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो गया। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि वो कभी सोता नहीं था और अब कोई गहरी नींद में है। कंग्रेचुलेशंस वरुण, तुमने उसे ठीक कर दिया। कई सालों से वो यही शब्द दोहराता था। हमें लगता है इन शब्दों में और उसके पागलपन में कोई ना कोई कनेक्शन है। इनफैक्ट डॉक्टर गायत्री ने उस पर एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। Sounds crazy, doesn't it? Crazy? You all are crazy. सारी दुनिया में हो रहे दंगे फसाद में मृत्यु की संख्या 850 के करीब मानी जाती है। आज दूसरे दिन भी रशिया के चार प्रमुख शहरों में दंगे लगातार चल रहे हैं कि दंगों पर काबू करने के लिए शासन ने आज फौजों में। उस पागल की आवाज को हम इस चूहे को सुना रहे हैं। आवाज सुनते ही चूहा बिल्कुल निश्चल हो गया है। उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन हो रहा है। वो तुम्हारी तरह देख रहा है। सूजी, सूजी, आर यू ओके? क्या हो रहा है तुम्हें? सूजी, डॉक्टर गायत्री, आई थिंक यू शुड सी दिस। सूजी, सूजी, आर यू ऑल राइट? आई गेस सो। वाओ, दिस इज अमेजिंग। चूहे के डीएनए मॉलिक्यूल में परिवर्तन आ गया है। इसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो गया है, यानी कि अब वो चूहा नहीं बल्कि कोई नई स्पीशीज का जानवर बन गया है। दुनिया में आज पहली बार किसी एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ है। अब समझ में आ रहा है कि उमर तुम क्यों मिले। मैं बताऊं? क्योंकि मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है, इसलिए भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पूरी दुनिया को हिला सकूं, है ना? उसे रोकने के लिए ये सब हो रहा है।
Susie, thank you for coming. कभी कभी जन्नत और दुनिया के बीच का फासला सिर्फ एक कदम होता है. You're so right. उस चूहे का जेनेटिक स्ट्रक्चर एक आवाज से बदल गया. तुम्हारे लिए बस एक इशारा काफी है. सूजी, वेलकम टू आवर वर्ल्ड. टेस्ट? मेरी परीक्षा कौन लेना चाहता है बताओ. जा रहे हो? उसे रोकना है. दंगे फसाद पर पुलिस काबू नहीं कर सकी. सिर्फ मुंबई में ही घायलों की संख्या 150 के ऊपर पहुंच गई है. I'm sorry. I represent the U.S. Consulate, and Dr. Gaidri is a U.S. citizen. मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ. कुछ याद नहीं रखना चाहती. तुम तो सबका इलाज करते हो वरुण. आज मेरा इलाज करो प्लीज. प्लीज. Exploding. 10:33 and 29 seconds. उसकी कुंडलिनी खुल गई है. इस वक्त उसकी चित शक्ति के जोर से प्रोस्टैटिक जोन यानी कि मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया है.
Keep recording, girls. Namaste.
नमस्कार। क्या ये कोई ब्लैक मैजिक का मंत्र है? नहीं, ये उसकी परछाई है ना पिताजी? हाँ, परछाई है। You mean like schizophrenia, जहाँ मरीज को चंद शब्दों को बार-बार दोहराने की आदत हो? Not schizophrenia, my child. More like a spiritual virus. पहले दिमाग में बीज मंत्र बैठा दिया जाता है, सुनते सुनते आदमी बदलने लगता है। परिवर्तन किस हद तक होता है ये तो सुनने वाले की कमजोरी और सुनाने वाले की ताकत पर है। तो ये आवाजें, ये परछाई ऊपर ऊपर से तो किसी पागल की तड़प सुनाई देती है, लेकिन बीज मंत्र उसी में छुपा है। तो क्या इससे बीज मंत्र निकाला जा सकता है? नहीं नहीं, अगर पिताजी कोशिश करेंगे तो मंत्र का प्रभाव उन पे पड़ेगा। बेटे, पिताजी का गणयंत्र ले आओ। गणयंत्र? गणयंत्र? कई सालों से मेरे पिताजी वेद मंत्र के रहस्यों को कंप्यूटर के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझिए तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं? ऐसे दुष्ट मंत्र का उच्चारण नहीं करते बेटी। I'm sorry. ये मंत्र ऋग, साम, यजुर, अथर्व, इन चार वेदों में तो निश्चित नहीं है। तो फिर गायत्री, ये मेरे पिताजी हैं। But I need to know. राक्षस वेदम मूल बीजम, मेरा शक सही निकला। अखंड पुराण में लिखा है कि राक्षस वेद के कई मंत्र राख से शुरू होते हैं। ये मंत्र वहीं से आया है। मगर ये राक्षस वेद है क्या? भंडासुर इंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वशनी, चंद मुंड ब्रह्मसुर महेशसुर, ये सब राक्षस थे। इन सब ने अपनी शक्ति राक्षस वेद से पाई। ऑलराइट, एंड देन? तो अपर युग के अंत में एक महायुद्ध हुआ, जहां राक्षस और उनके वेद को धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। पता नहीं कैसे हजारों साल बाद त्रेत युग में राक्षस फिर आए। You mean रावण, the last राक्षस किंग? कहा जाता है कि रावण ने शिवजी की तपस्या की और उसे एक रुद्राक्ष मिला। रावण ने राक्षस वेद का सारांश उस रुद्राक्ष में बिठा दिया और उसे एक शक्ति बीज बना दिया। रावण को तो राम जी ने मार दिया, फिर उस रुद्राक्ष का क्या हुआ? Who knows? समझा गया कि लंका के साथ वो रुद्राक्ष भी अग्नि में जल गया। Hold on guys, राक्षसों को धरती से मिटाया गया था, am I correct? तो फिर वो रावण के रूप में वापस कैसे आया? रावण का रुद्राक्ष तो हजारों साल पहले जलकर राख हो गया था, करेक्ट? तो इसमें छुपा हुआ मंत्र मुंबई के एक पागल के दिमाग तक कैसे पहुंचा? अगर पुराणों में लिखी बातें सच है तो राक्षस कभी भी लौट सकते हैं, क्योंकि ये राक्षस एक छिपकली की दुम की तरह है। काटो तो वापस आएगा, फिर काटो तो फिर आएगा, और फिर भी काटो तो
संहारम। पिताजी मुझे छोड़ के मत जाना। पिताजी क्या तुम भूल गए कि आत्मा अमर है? मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। पिताजी रो मत बेटे, रो मत। क्या तुम्हें वो हनुमान चालीसा याद है जो मैंने तुम्हें बचपन में सिखाई थी? स्मरण करो मेरे साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर केहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम विक्रम बजरंगी। Tracy, go get the scanners. Kaushal, start recording. Ready? Dr. Gayatri, ऐसे वक्त जहां उसके पिताजी, शायद हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। Shut up और काम पे लग जाओ। ये मत भूलो कि तुम पहले एक साइंटिस्ट हो और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। 2141. Subject indicates a dramatic increase of the aural patterns, especially around the solar plexus. जानवर या राक्षस, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिमाग में हमेशा के लिए कैद है। मैं अपनी दिमाग की शक्ति से तुम्हारी असलियत का कोई ना कोई सुराग ढूंढ निकालूंगा। कौन हो तुम
कहां से आए हो? दिखाओ मुझे। तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वो लड़की कौन थी? वो जगह कहां है? तुम कौन हो? बताओ मुझे। पहले मुझे छोड़ दो। जन्नत धैर्य मिल जाओ, इतने पैर सावड़ क्रिंगल नहीं है। नहीं सावड़ा नहीं, छोड़ दो उसको। नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसे, मेरे लाली को छोड़ दो, मेरे लाली को छोड़ दे रहे। मेरे लाली को तो छोड़ दो, मत मारो उसे। याला इंडिया में तो कहीं नहीं है। जस्ट वेट, आई विल चेक। याला इज इन श्रीलंका। लंका, लंका। लंका।
शांत हो जाओ। पुलिस स्टेशन यही वो जगह है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। तो ऐसा करो, सारी बातें इस रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लो। विल यू बी ओके? सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, आई बी ओके। तंबी ममा विथेयनी इंडिया वे इंडला। क्या ये आदमी पूरी पुलिस स्टेशन की पिटाई कर कर चला गया? ये कैसे हो सकता है? मेरी 10 साल की ड्यूटी में ऐसा कभी नहीं हुआ। अंडिया डेंगड़ा, मुझे जाना है, याला टाउन में रेड्स हो गए। ओके चलो 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 डेंग चलो, हरी आप हरी आप, चलो ना ममा, चलो देखा है? चलो भाई साहब, ये आदमी को देखा है? हेलो हेलो, पहचानते हो ना इसे? चौदह साल पुरानी बात है, यहां से थोड़ी ही दूर आर्कियोलॉजी की एक साइट है, बहुत पुरानी, रावण के जमाने की। आर्कियोलॉजी जानते हो तुम? वो फिरंगी लोग चड्डी पहनकर ब्रश पकड़ के यूं यूं करते रहते हैं ना। फिर क्या हुआ? मर्डर। एक रात किसी ने 5-6 आदमियों को मार डाला, चोरी भी हुआ। याला कोलंबो हाईवे के 11वें किलोमीटर के पास एक पहाड़ी गुफा है, सर्च में वहां एक पागल आदमी मिला। ये आदमी? हाँ, जंगली सांड था साला। 10 लोग भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। उसे ऐसे ही जाने दिया, पकड़ने की कोशिश नहीं की? कौन जाता, हम सबको तो डरा के रख दी उसने। सर्कल ने बोला साला फाइल बंद कर दो, हमने बंद कर दी। और वो लड़की, वो लड़की का क्या? वो लड़की कोई भी लड़की नहीं थी। तंबी जरा फिर से याद करो, किसी ने मुझे बताया कि लॉकअप में उसकी पिटाई की, उसके हाथों में कीले भी घुसाए और उस लड़की का रेप भी करने की कोशिश की। उस हालत में वो बेचारा मारेगा नहीं तो और क्या करेगा? नहीं नहीं, ये कहानी किसने बोला तुम्हें? सब झूठ है। और तुम्हारी कहानी वो सच है ना? अम्मा कसम, देखो मुझे भी मार लगा। इस पुलिस वाले की कहानी और मेरे देखे हुए दृश्य अलग कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है ये राक्षस मेरे दिमाग में घुसकर मेरे साथ खेल रहा है। वो बहुत तेज है,
तुम्हारी चाल समझने लगा है। इसलिए तो इसे प्यार से हासिल करना जरूरी है। सच कहूं तो वरुण जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे आदमी की जिंदगी और मौत दोनों मेरे काम आएगी। मगर वो लड़की, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। मौका मिलते ही उसे भी मिटा देंगे। मेरे पिताजी के कातिल के दृश्य मैंने देखे नहीं, मुझे दिखाए गए थे। You mean, वो दृश्य झूठे थे? झूठ नहीं, लेकिन सच भी नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन तुम्हारे अग्नि चक्र के पास पहुंच सकता है? स्वप्न आकाश के जरिए, थ्रू द डिवाइन इंटरनेट। लेकिन तुम्हारे दिमाग का पासवर्ड किसी और को कैसे मिल गया? उसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं मैं। ग्यारह कोलंबो हाईवे के 11वें किलोमीटर के पास एक पहाड़ी गुफा है। सर्च में वहां एक पागल आदमी मिला। कैमरा चेक। उसे स्वप्न के आकाश में ढूंढने दो, हम जमीन की गुफाओं में ढूंढेंगे। कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन। वरुण, इस गुफा को पहचानते हो? बारिश हो रही थी, वो वहीं पड़ा हुआ था। जैकपॉट, वी आर गोइंग इन, कम ऑन। से क्या डरना? Come on. Very interesting. इस जड़ पे एक आदमी के दाएं हाथ का निशान है। वरुण, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा, कभी नहीं छूऊंगा मैं। क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? क्यों? मैं तो तुम्हारा गुलाम बन चुका हूं, गुलाम बन चुका हूं मैं तुम्हारा, गुलाम बन चुका हूं। नंदी के ठीक पीछे एक 8 फीट लोहे की मूर्ति है और ये मूर्ति किसी हिंदू देवता की नहीं। वरुण, ये तो सूखा हुआ खून लगता है। कुछ मत छुओ वहां पे। गायत्री, डोंट टच एनीथिंग। गायत्री, निकल जाओ वहां से। Thank you.
हे भगवान, हमें बचा लीजिए। Come on this way. लगता है हमारी भी कोई सुन रहा है। चलो जल्दी चलो। एक काम अधूरा रह गया है। हजारों साल से दफना हुआ था वो, अब शिव जी के आशीर्वाद से उसे वापस भेजने का वक्त आ गया है। दक्षिणामूर्ति पूजाम करिष्ये तत्पुरुषाय विद्महे। महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जून सन 1991, आज अचानक हमारी खोज एक रोमांचक मुकाम पर आ पहुंची है। लगता है भारत की इतिहास और संस्कृति को एक नया मोड़ मिलेगा। यह रावण का रुद्राक्ष है, इसमें कोई शक नहीं। पुराणों के अनुसार इस पर तीन नए सर्पिक चिन्ह हैं, शिवलिंग, त्रिशूल और संस्कृत का अक्षर रक्त। कौन है? अंदर कौन है? अंदर कौन है? बाहर आओ, बदमाश! बाहर निकल! बोलते क्यों नहीं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो! सही से तुमको पहले हो क्या? शांत हो जाओ, बंदूक नीचे करो। बहुत सालों से इसे किसी ने चलाया भी नहीं और इसमें गोलियां भी नहीं है। तुम हो कौन? उसकी परवाह मत करो। यूं समझ लो कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। बहुत सालों से सोए नहीं थे ना तुम। आज के बाद तुम्हें कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। भूरिया था उसका नाम। बिहार का रहने वाला था। मजदूरों को किराए पर दिया करता था वो। अच्छी तरीके से जानता हूं मैं उसे। Oh,
बहुत खून खराबा हुआ, बहुत। और उस दिन तक बड़े साहस से तुमने मुश्किलों का सामना किया। हनुमान जी का नाम लो, ये डर तुमसे हमेशा के लिए निकल जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जलावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत हो न पिशाच, मुझसे क्यों डरते हो? मैं कब से तुम्हारे खोज में हूं, मुझसे नहीं मिलोगे? क्या हुआ? जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो हो चुका है। तो फिर वो कहां गया? दुनिया में कहीं भी हो सकता है, बस इतना पता है कि 14 साल पहले वो यहाँ से चला गया, फिर वापस नहीं आया। You mean? I mean my lord, जब भाई भाई के प्यार को ठुकराता है, गद्दारी करता है। कानून की किताब में सही, मगर रिश्तों की नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे, बहुत बड़ा गुनाह है। ये चैनल कैसे चेंज हो गया? जरूर मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा नाम वरुण है ना? देखा कैसे पहचान लिया? यू घूर के क्या देख रहे हो, मुझे नहीं पहचानोगे? क्या हो रहा है? मुझे संदेशा भेज रहे हैं। संदेशा? लेकिन ये तो कोई टीवी प्रोग्राम है, उसे कैसे पता कि तुम कब कौन सा चैनल देख रहे हो? सब पता है उसे, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, इन पांच तत्वों से खेलना सीख लिया उसने। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाबा, मैं तो मुंबई में हूँ, तुम कहाँ हो? मुझसे मिलना है तो मुंबई आ जाओ। हमें मुंबई जाना होगा। वेलकम बैक, वाओ, यू लुकिंग डिफरेंट। थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी की चाबी। थैंक्स। चलो। Hey, how are you? And I love you, Lali. अपना समय आ गया है। हर रेडियो स्टेशन पर, हर टीवी चैनल पर हमारा राक्षस मंत्र ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रावण का महामंत्र, जिसे सुनते ही हर इंसान राक्षस बनने लगेगा। लाली, आज से वनवास खत्म, हम रणभूमि में उतर रहे हैं। वरुण, वरुण कहाँ हो तुम? आओ मेरे पास। अंबर को अपनी बाहों में आज भर ले, जो भी तमन्ना है साथ मेरे कर ले। रख 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 मुंबई शहर के कई जगह में दंगे शुरू हो गए हैं, हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट के। ओह माय गॉड, ये सब दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? In London, riots continue for the third consecutive day. Fresh riots have also been reported in other It's happening all around the world. India, China, USA, सभी जगह riots हो रहे हैं वरुण। अब समझ में आ गया है। वरुण, वही आवाज। क्यों?
क्यों तुमने गोली चलाई? वो लोग हमारे नेता को कोई नेता नहीं है। कोई वजह नहीं है, तुम्हें कुछ याद नहीं है, है ना? ए राक्षस, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना? अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बताओ कहाँ हो तुम? All the action is happening at Radio City Towers, मस्ती का कैपिटल सिटी, Radio City Towers। हम यहीं हैं और आपको भी यहीं होना चाहिए। इस खेल में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। पर वरुण, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। नहीं वरुण, तुम्हारी जान खतरे में है, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। वरुण नाम का एक्सपेरिमेंट जो तुमने शुरू किया उसने सफल कर दिया। अब मैं बुरिया तक पहुँच गया हूँ। ये जंग बुरिया और मेरे बीच में है, इसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? हाँ वरुण, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दिस इज द एंड ऑफ द रोड फॉर यू बेबी, वापस चली जाओ प्लीज। I love you, Gayatri. Goodbye. Varun! We'll be right back.
इस नई दुन को तैयार किया मैंने एक नई युग के लिए। पसंद आया तुम्हें? वेलकम टू अवर वर्ल्ड वॉर वन। मैं जानता हूं मुझे माफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बाप का कातिल हो ना? ये सच है कि अब मैं मानव नहीं हूं। मेरा कण कण अब राक्षस बन चुका है। कितनी और शक्तियां हासिल करूंगा मैं इसके साथ? तुम सोच रहे हो ये बुढ़िया एक साधारण लेबर कॉन्ट्रैक्टर यहां तक कैसे पहुंचा है ना वरुण? रावण का रुद्राक्ष दुनिया पर राज करने के लिए लौटा है। ये वो मामूली रुद्राक्ष नहीं है जो साधु संत पहनते हैं। साइंस की भाषा में इट्स अ मल्टी डायमेंशनल होलोग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ सीड। यू गेट इट? तुम्हें क्या मालूम पुराने जमाने की राक्षसों की ताकत? अफसोस की बात यह है कि जब मुझे रुद्राक्ष मिला तो उसे समझने की काबिलियत नहीं थी मुझमें। तुम्हारे जैसे विद्या और संस्कार मुझमें नहीं थे। मैं एक जंगली जानवर था। कहा रावण, कहा वो बुढ़िया। बहुत तड़पाया रुद्राक्ष ने मुझे। मैंने दिखाए थे ना तुम्हें मेरे वो बुरे हालात। यू मीन तुम्हारे थॉट ट्रांसमिशंस? वो सब झूठ था मुझे और अपने आप को बहकाने के लिए। तुमने मेरे पिताजी का खून क्यों किया? कौन? वो बूढ़ा? अरे नहीं नहीं वरुण, वो तेरा बाप नहीं है। वो स्मृति भी मैं बदल डालूंगा। आज के बाद तुम्हें पिताजी कभी याद नहीं आएंगे, क्योंकि आज के बाद तुम मानव नहीं राक्षस हो, बिल्कुल मेरी तरह। इतनी सारी शक्ति, इतने सारे रूप, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है बुढ़िया। रामायण तुम याद करो, रावण के पास शक्ति होने पर भी ज्ञान न था। सीता माँ का अपहरण किया, अपनी मौत को बुला लिया। और राम जी देखने में एक साधारण मानव जैसे थे, कभी अपनी शक्ति का बेवजह प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जब वक्त आया तो एक ही वार में रावण का संहार कर दिया। अपनी शक्ति से पागल होकर रावण मौत के लिए तरस रहा था। जीने की तमन्ना उसमें तब तक थी जब तक उसके सामने प्रतिद्वंदी थे। अपनी मौत ढूंढते ढूंढते पंचवटी पहुंचाया, सीता माँ के द्वार, एक भिखारी के रूप में मृत्यु की भीख मांगने, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मृत्यु की भीख तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। तुम्हें लड़ने से कोई फायदा नहीं वरुण, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तुम्हें अपने चक्र खोलने नहीं देगा, तुम्हें सीधा ले जाएगा पाताल। देखो देखो चारों ओर, दुनिया में दंगा फसाद शुरू हो चुका है। करोड़ों लोग राक्षस मंत्र अपना रहे हैं। आज के बाद एक अजीब परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर शुरू, राक्षस और मानव के बीच में। मुझे जाना होगा वरुण,
मुझे जाना होगा। स्मृति से मिट रहा हूं बेटे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये मुझे क्या हो रहा है पिताजी? ये मौत का अनुभव है वरुण, तुम्हारी मृत्यु हो रही है। मैं कहा हूं? मृत्यु और जीवन के बीच एक अंधकार होता है जिसे पाताल कहते हैं, तुम्हारी आत्मा भी वहीं पहुंच रही है। मैं मरना नहीं चाहता पिताजी, मुझे किसी भी तरह बचा लीजिए। तुम्हारे जीवन की डोर अभी टूटी नहीं है, अब भी वक्त है, लेकिन जीने के लिए तुम्हें राक्षस मंत्र तन मन से अपनाना होगा। तो बेहतर यह है पिताजी कि मैं पाताल चले जाऊं। ऐसा नहीं सोचो बेटे, क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त संसार में सिर्फ तुम ही हो जो उसका विनाश कर सकता है? अगर तुम राक्षस बनना स्वीकार करोगे तो भुरिया से कई गुना ज्यादा शक्ति पाओगे। पंडित वेद भूषण का बेटा राक्षस नहीं बन सकता पिताजी। अगर मैं भुरिया का संहार कर दूंगा तो उससे भी क्रूर और भयानक बन जाऊंगा। तब उसकी तलवार मेरी तलवार बन जाएगी और उसकी नफरत मेरी नफरत। बचने का एक रास्ता है वरुण, तुम राक्षस से फिर माना बन सकते हो, लेकिन उसका राज पिताजी, उसका राज पिताजी, उसका राज पिताजी। रुद्राक्ष, 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 रुद्राक्ष। वरुण, वरुण, वरुण। ददीम, ददीम, ददीम। Dinta dinta na na, dinta dinta na na, dinta na dinta.
वेलकम। नहीं वरुण, मेरे भाई, मेरे भाई, नहीं। राक्षस बनती अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत मन करता है ना, सब्र करो भाई, वो वक्त भी आएगा। मेरे भाई, मेरे भाई, ये गद्दारी मत करो, ये रुद्राक्ष मेरा है, उसे वापस कर दो। हम सब तुम्हारे हैं, लेकिन वो रुद्राक्ष सिर्फ हमारा है।
कितने प्यार से तुम्हें अपना भाई बनाया और उसके बदले में ये मौत। आखिर क्यों मरा? आखिर क्यों? यही राक्षस की रीति है, भाई भाई की जान लेता है। रुद्राक्ष, मैं 14 साल इसकी पूजा करता रहा, इसका गुलाम बना रहा। मरने से पहले एक बार छूने दो वरुण, वरुण, वरुण प्लीज, वरुण, वरुण एक, वरुण प्लीज, एक बार छूने थे वरुण, एक बार, वरुण एक बार, वरुण, वरुण एक बार छूने दे, वरुण, वरुण, वरुण। नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निरवध्या निरंतरा।
बीजम मूल बीजम शक्तिवर्णम संहारम धर्म संस्थापना